नमस्कार, वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की बात करें तो इकोनॉमिकल डेटा तो काफी कम थे और हॉलिडे मूड के बावजूद हमने देखा मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले अगर बुलियन की बात करें तो M6 में बुलडेक्स 14,153 का भाव ओपन होकर हमने 14,235 का हाई लगाते हुए देखा, जबकि 14,000 का एक स्ट्रांग सपोर्ट के साथ साथ 14,170 के करीब क्लोज हुआ। टेक्निकली फ्रेश बाइंग है, जिस ढंग से हमने देखा बॉन्ड यील्ड में अचानक जो गिरावट आई है ये कहीं ना कहीं गोल्ड का सेंटीमेंट पॉजिटिव करता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट गोल्ड फ्लैटिश टोन के साथ बंद जरूर हुआ, बट 47,577 से मार्केट पूरा रिकवर करता हुआ 48,100 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर चांदी की बात करें तो बेस मेटल की तेजी चांदी को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दी और शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने 62,660 के करीब हमने सिल्वर को क्लोज होते हुए देखा। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा कि चांदी $23 के ऊपर और गोल्ड 1800 का लेवल अच्छे से बचाते हुए दिखाई दिया 2022 के लिए। वहीं पूरे हफ्ते भर के अंदर हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 96 के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी डेटा पॉइंट कहीं ना कहीं सोने और चांदी में एक हमने बाउंस पाते हुए देखा। अगले हफ्ते के लिए भी सोना और चांदी पहले दो दिन सुस्त रहने की उम्मीद है, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड में 48,550 का लेवल, वहीं चांदी 63,800 तक के लेवल हम देख पाएंगे। एनर्जी इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 2% की तेजी आती हुई देखी शॉर्ट कवरिंग के चलते, जिसका मतलब है क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में तेजी बननी चाहिए। हमने नेचुरल गैस में 311 का हाई लगते हुए देखा, बट प्राइजेस अपने आप को संभाल नहीं पाई, जिस ढंग से हमने देखा कि वेदर कंडीशन थोड़ा वार्मर था और साथ में इन्वेंट्री डेटा के आने के बाद हमने एकाएक बड़ी गिरावट आई और नेचुरल गैस 265 का लेवल छूते हुए दिखाई दी। वहीं क्रूड ऑयल के अंदर 2% की तेजी के साथ प्राइजेस 5775 का लेवल का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल टेम्परेचर साथ में कोविड कंसर्न की वजह से एनर्जी डिमांड पे एक हरकत देखने मिल सकती है। 4 तारीख को ओपेक प्लस की मीट है, जहाँ पे 4,00,000 बैरल का प्रोडक्शन फरवरी से मार्केट में आने की बातें हो रही है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्रूड के लिए नेगेटिव रह सकता है। अगले हफ्ते टेक्निकली क्रूड में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, जो करीबन 5550 तक का लेवल या 5520 तक का सपोर्ट दिखा सकता है। नेचुरल गैस अगर हम देखें जनवरी मंथ में आउटलुक नेगेटिव ही रहेगा, जब तक 310-12 के ऊपर क्लोज नहीं करता है। नो डाउट एनर्जी क्राइसिस के चलते यूरोप में प्राइजेस अभी भी हायर साइड पे है, बट वेदर कंडीशन और इन्वेंट्री को देखते हुए हमें लगता है प्राइजेस में प्रेशर है। टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर है, 280-285 के करीब का अगर जब मिले तो वहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए, बट डाउन साइड अगर हम देखें तो 250 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है मार्केट एक दायरे में रहेगा। वहीं अंत में अगर बेस मेटल की बात करें तो पूरे बेस मेटल में हमने फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न्स बनते हुए देखे पिछले हफ्ते में, जहाँ पे कॉपर में तो हमने 1.25% की गिरावट देखी, जिंक फ्लैट था, निकल फ्लैट था, एल्यूमिनियम और लेड इनमें भी हमने थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई देखी है। एक चीज समझिए कि बीजिंग ओलंपिक के चलते हमने जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो चाइना से अपडेट आया, यहाँ पे हमने देखा आउटपुट में कटौती के चलते प्राइजेस को अच्छा सपोर्ट मिला है, बट ऑर्निकॉन के कंसर्न्स की वजह से हमने पूरे बेस मेटल पैक में अपसाइड कैप लगाते हुए देखा। चाइना इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए काफी एफर्ट्स कर रही है, जो आगे जाके प्राइजेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। अगले हफ्ते के लिए कॉपर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए, जो 740 के करीब लेके 755 का टारगेट रखेंगे, जिंक में 285 के करीब लेके 294 का टारगेट रखेंगे, निकल में एक करेक्शन दे सकता है 1540 तक का लेवल अगर मिले वहां पे ही बाय करना है, जबकि एल्यूमिनियम 2022 के लिए टॉप कमोडिटी निकल कर आ रही है, जिस ढंग से ऑल्कोर ने भी अपने प्रोडक्शन कम किए हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि 250 का भी लेवल क्रॉस कर सकती है। लेड में हमने अच्छी गिरावट देखी है, फर्दर गिरावट आ सकती है, जो 184 के करीब का एक अच्छा सपोर्ट मान सकते हैं। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।